नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसे कहर बरपाए हैं कि भारत की बड़ी आबादी को एक बार फिर से घरों में कैद रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए जगह जगह लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगी हुई हैं। इन पाबंदियों में पुलिस का काम दुगना हो गया है। कोरोना नियमों का पालन कराने के लिए कई बार पुलिस कर्मियों को आम जनता से भी जूझना पड़ रहा है। ठीक इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की नियमों का उल्लंघन तो कर ही रही है, साथ ही पुलिस कर्मियों से बदतमीजी भी कर रही है। दरअसल इस बार जो पुलिस से बदतमीजी का वीडियो वायरल हो रहा है वो देहरादून का बताया जा रहा है। देहरादून में लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकली एक लड़की के हंगामे का वीडियो खूब ज्यादा वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक बाइक पर जा रही लड़की और उसके साथी को घंटा घर के पुलिस पिकेट के पास रोका गया। इसके बाद जो हुआ वो आप खुद देख लीजिए इस वीडियो में। दरअसल जब इस महिला को पुलिस ने रोका और उसके बाद बाहर निकलने की वजह पूछी तो लड़की ने बताया कि उसका मोबाइल लॉक हो गया है, जिसे खुलवाना बेहद जरूरी है, इसलिए वो बाहर निकली थी। लेकिन पुलिस ने सख्त लॉकडाउन का हवाला देते हुए चालान और बाइक जब्त करने की कार्रवाई कर दी। इसके बाद लड़की बुरी तरह से भड़क गई और पुलिस को जमकर सुना दिया। लड़की ने कोरोना के नाम लूटने का आरोप लगाते हुए पुलिस को गालियां भी दे डाली। पुलिस ने लड़की के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और इस पर अब कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे ही खबर पर रहेगी हमारी नजर, आप देखते रहिए इन खबर।